आप सभी को मेरा नमस्कार। और वीडियो बनाने का तात्पर्य था कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका मामला कहाँ है और कहाँ तक पहुँचा है। अब जो भी करना है वह उस विभाग को करना है और सरकार को करना है। अब अगर कहीं से भी पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ किया जाता है तो हो सकता है कि नुकसान हो और इसकी भरपाई हम लोग जीवन भर ना कर पाएँ। इसलिए मेरी जो बात है और मैंने जहाँ तक इसका अध्ययन किया है और मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ उसके अनुसार जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अब किसी तरह की और किसी भी प्रकार का इस तरह का काम करने की ज़रूरत हमें नहीं है अभी इस समय। क्योंकि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं कि अगर किसी माननीय मंत्री या किसी माननीय सांसद के द्वारा अगर यह बात पुनः एक बोला जाता है तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री को खराब लगे या जो भी कुछ भी हो सकता है। तो जो लगे हुए हैं अपने प्रयास में उनको रोकना भी नहीं है, क्योंकि वह अलग से प्रयास करें राजनीतिक या कुछ भी, उसके लिए कोई ये नहीं कि आप मत कीजिए। लेकिन मेरे तरफ से इस तरह का कोई प्रयास नहीं होगा अभी फिलहाल, तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रयास हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो मैंने अपनी मुहिम को इसीलिए बंद किया है और ना मैं किसी से मिल रहा हूं और ना कहीं जा रहा हूं। और जब मामला अंतिम चरण में है और अंतिम जगह पर है तो इसमें अब किसी तरह का प्रयास करने की मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे अनुसार। बाकी मैं सभी सफलता मिलने के बाद और उसके पहले उन तमाम साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। वह सभी साथी इसके सफलता के सूत्रधार बनेंगे, जैसे ओम प्रकाश जी हो गए, रामाशीष चाचा हो गए और भी बहुत सारे लोगों ने जिन लोगों ने प्रयास किया इसके लिए, वह सभी लोग इस सफलता के सूत्रधार होंगे। किसी एक व्यक्ति के यह काम करने से और इस पर काम करने से सफलता नहीं मिलती। और अंतिम समय में जिस तरह का प्रयास रामाशीष चाचा के द्वारा और ओम प्रकाश जी के द्वारा किया गया वह सराहनीय है और सबके भविष्य के लिए है। और वह चाहे सांख्यिकी वाले हों, चाहे लोक शिक्षक वाले हों, चाहे अन्य विभाग के कोई भी कर्मी हो, उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि कमेटी का मामला जब भी खुलेगा तो सभी का खुलेगा। और ये अब अपने अंतिम जगह पर है और आप लोग देख भी रहे हैं कि ओम प्रकाश जी ने ग्रुप में लिखा भी था। तो जो लोग सकारात्मक और अच्छा काम कर रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और ये धन्यवाद के पात्र भी हैं। और इनके किए गए कार्यों को ये तमाम जो लोग हैं इस कमेटी में वो आजीवन याद रखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम उन साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस सफलता के लिए और अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए और साथ साथ सभी लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रयास किया और अभी भी कर रहे हैं कि जल्दी मामला निकल जाए, प्रकाशित हो जाए। इन तमाम साथियों को धन्यवाद। श्रेय के पात्र वह सभी लोग, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सत्य यही है और सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं और प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। और
आप लोगों ने, मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बताया था कि जब वीडियो के माध्यम से बोला गया कि पॉलिटिकल प्रेशर की ज़रूरत है, तो उतनी ठंड में 2 महीने तक जिस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर मेरे द्वारा बनाया गया और उसको आप लोगों ने देखा होगा, और उस समय जितने भी लोग थे वह घर में बैठे हुए थे जिन्होंने इसकी चर्चा की कि पॉलिटिकल प्रेशर की ज़रूरत है, और वह लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन जो प्रयास किया गया मेरे तरफ से वह सभी लोग के सामने रहा और सभी लोग के समक्ष मैंने दिखाया भी और उसके बाद भी दिखाया कि राजनीतिक जो पैरवी होती है वह सरकार तक पहुंचाने में इतना आसान होता है और कितना यह मार्ग प्रशस्त करने में कितनी कठिनाइयां भी होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा भी होगा। और धीरे धीरे इस तरह का प्रयास किया गया और माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बातों को प्रत्येक माननीय मंत्रियों के माध्यम से पहुंचाई गई, और आज अगर ये मामला अंतिम जगह पर है तो उसी की देन है, किसी एक व्यक्ति और किसी एक पर्सन का या कहीं से देन नहीं, और श्रेय के पात्र वह सभी लोग हैं। और मैं उन तमाम साथियों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, और जो संख्या मैंने बता दी है सभी के बारे में, उस पर बहुत सारे लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है कि वह एलपीए, लेकिन आज मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि वह एलपीए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एलपीए को माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था और उसको डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था, वह कभी नहीं होगा, और सरकार कोई भी काम असंवैधानिक नहीं करेगी और संविधान के अनुकूल ही कोई काम होगा। तो इस पर आप लोग इस बात को एकदम दिमाग से निकाल दें, अब जो चीज़ है उसको पहले निकलने दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सारी बातें नहीं बोली जा सकती। धन्यवाद।